राम राम भाई सारा ने, एक बार फिर से मंजीत एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हरियाणा की प्रमुख खबरें लेके हैं 12 मई 2024 की। चलो अब शुरुआत करते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने पर हवलदार के खिलाफ केस दर्ज, एएसआई की रिपोर्ट पर कार्रवाई। किसान आंदोलन के 25वें दिन 139 ट्रेन प्रभावित, बेहतर रद्द, 15 को बीच रास्ते रोककर फिर संचालित। नई राजनीतिक पारी शुरू करने के लिए बबली ने वोटिंग कर लिया सहारा। जमानत केजरीवाल की हुई है सीएम, अंदर है पूर्व गृह मंत्री विज ने केजरीवाल की जमानत पर प्रक्रिया। नैना चौटाला ने खाप किसान नेताओं से मांगा इंसाफ, भावुक होकर कही ये बातें। पूर्व विधायक सतविंदर राणा कांग्रेस में शामिल, 2019 में जेजेपी से लड़ा था चुनाव। बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी को दिखाई काले झंडे, दूसरी बार करना पड़ा किसानों का विरोध का सामना। किसान की बेटी निशा दहिया ने देश को दिलाया ओलंपिक कोटा। सुभाष बराला का जेजेपी में तंज, जेजेपी से जन व नायक गायब, बचा सिर्फ पी यानी परिवार। चंद्रमोहन ने पूरे सीएम पर साधा निशाना, कहा भजनलाल पर की गई टिप्पणी पर मनोहर लाल को आनी चाहिए शर्म। गढ़ में हमले से चौटाला परिवार की बड़ी चिंता, उचाना से पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत हैं विधायक। सरकार बर्खास्त करने की मांग को लेकर राजभवन पहुंचे कांग्रेस विधायक, सीएम ने बुलाई कैबिनेट बैठक। रोडवेज कर्मियों की 12 को रोहतक में होने वाली बैठक स्थगित। दिल्ली के संदीप बने कोठीपुरा दंगल के विजेता। चंडीगढ़ को पहली बार नेशनल हॉकी की चैंपियनशिप की मेजबानी। आज आम आदमी पार्टी की बड़ी बैठक, सीएम केजरीवाल के आवास पर जुटेंगे विधायक। आज फिर बरसेंगे दिल्ली में बदरा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी धूल भरी आंधी। केकेआर ने मुंबई को 18 रन से हराया, प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया। पॉइंट टेबल में केकेआर सबसे ऊपर, पंजाब सबसे नीचे। तो ये थी कुछ प्रमुख खबरें जो हम आपके लिए लेके आए थे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से जरूर करें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।